प्यारे बच्चों पिछली वीडियो में हमने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बारे में समझा था और बैलेंस केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की पहचान करी थी कि कौन सी केमिकल इक्वेशन बैलेंस है और कौन सी केमिकल इक्वेशन अनबैलेंस है ये जाना था आज हम इस वाले टॉपिक में किसी भी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस केमिकल इक्वेशन में चेंज करने की प्रोसेस है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन तो हम उसी मेथड को समझेंगे कि कैसे किसी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है तो हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है इसमें हम दो तीन एग्जाम्पल लेंगे आपके पास हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स एच टू ओ यह एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है क्यों है रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन के जो एटम्स की संख्या है वो अन इक्वल है बराबर नहीं है इसीलिए यह कौन सी इक्वेशन है अनबैलेंस्ड। और हम इसको बैलेंस करना चाह रहे हैं और इसको बैलेंस करने की जो प्रोसेस है वो है बैलेंसिंग तो कैसे करेंगे इस अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस तो हमने सबसे पहले इसके लिए क्या करना है एक टेबल बनानी है उसमें हमने पहले कॉलम में लिख दिया एलिमेंट्स दूसरे कॉलम में लिख दिया नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट और अगले कॉलम में लिख दिया नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट तो क्या देखना आपने कि इस रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन के एटम कितने हैं वो यहाँ लिखने हैं इस रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन के एटम कितने हैं वो यहाँ लिखने हैं देखिए ध्यान से द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन इन रिएक्टेंट साइड इज़ टू एंड द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इन रिएक्टेंट साइड टू इतना समझ गए होंगे हमने आप कि हमने ये साइड क्या लिखा रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन के एटम कितने हैं दो रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन के एटम कितने हैं दो ऐसे ही आपने इस प्रोडक्ट साइड में भी द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन इज टू एंड द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन वन अभी हमने जैसे इस अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन में एटम्स थे रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में वो लिखे हुए हैं अब हमारे पास अगला स्टेप है कि कैसे इस अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे हाइड्रोजन जो एलिमेंट है उस एलिमेंट के इस रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में दो दो एटम्स हैं इसका मतलब ये इक्वल हैं और यहाँ पे हाइड्रोजन के एटम्स दोनों साइड इक्वल हैं और ये बैलेंस हैं अब जाएंगे ऑक्सीजन एलिमेंट पे तो यहाँ पे देखेंगे आप रिएक्टेंट साइड में दो एटम्स और प्रोडक्ट साइड में वन एटम। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे इसको ऑक्सीजन एटम को दो से मल्टीप्लाई करेंगे ऑक्सीजन एटम हो जाएंगे टू इतना समझ गए आप अब क्या करेंगे आप इन ऑक्सीजन एटम्स की संख्या को यहां पे लिखेंगे जैसे ही हमने ऑक्सीजन को दो से मल्टीप्लाई किया वैसे ही ये जो दो हाइड्रोजन एटम्स हैं ये भी दो से मल्टीप्लाई हो जाएंगे और हाइड्रोजन एटम हो जाएंगे फोर अब क्या हुआ जैसे ही हमने ऑक्सीजन के एटम्स को रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड बैलेंस किया बराबर किया वैसे ही हाइड्रोजन के एटम अनइक्वल हो गए प्रोडक्ट साइड में फोर और रिएक्टेंट साइड में क्या हो गया दो अब क्या करेंगे अब हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे टू से मल्टीप्लाई किया हाइड्रोजन के एटम हो जाएंगे फोर और यहाँ है हाइड्रोजन को टू से मल्टीप्लाई कर देंगे अब यहाँ पे क्या देखा आपने ये थी एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और इस प्रोसेस के द्वारा हमने उसको एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में चेंज किया अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में चेंज करने की प्रोसेस ही है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन अब हमने सेकंड एग्जाम्पल लिया है एफ H2O प्लस एच टू ओ एफ थ्री ओ फोर प्लस एच टू ये भी एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है और इसको भी हम बैलेंस करेंगे और सबसे पहले हमने एक टेबल ड्रॉ की है पहले एक कॉलम में एलिमेंट्स दूसरे में नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट और थर्ड में नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट ध्यान से देखिए रिएक्टेंट साइड में नंबर ऑफ एटम्स ऑफ आयरन ये देखिए यहां पे वन यहां पे लिख देना रिएक्टेंट साइड की बात हो रही है अभी नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन टू एंड द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इन रिएक्टेंट साइड वन अभी रिएक्टेंट साइड के एलिमेंट्स के एटम की संख्या हमने लिख दी इस वाले कॉलम में प्रोडक्ट साइड में इन एलिमेंट्स के एटम की संख्या लिखनी है सबसे पहले द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एफी कितने हैं थ्री उसके बाद नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन फोर एंड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन टू अब तक तो हमने केवल क्या किया कि केवल एलिमेंट्स के एटम्स की संख्या लिखी रिएक्टेंट वाले कॉलम में और प्रोडक्ट वाले कॉलम में अब हमको इस अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना शुरू करना है सबसे पहले देखेंगे आप आयरन हाइड्रोजन ऑक्सीजन में केवल हाइड्रोजन के एटम्स की संख्या दोनों साइड रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड इक्वल है और आयरन और ऑक्सीजन के एटम्स की संख्या अलग अलग है तो यही हमने बैलेंस करना है यही एटम्स की संख्या को इक्वल करना हमने सबसे पहले देखिए ऑक्सीजन के एटम्स प्रोडक्ट साइड फोर और रिएक्टेंट साइड वन तो यहाँ पे हम इस वन को फोर से मल्टीप्लाई कर देंगे और एटम्स हो जाएंगे फोर ऑक्सीजन के एटम्स रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड इक्वल हो गए तो यहां पे इस फोर को यहां पे लिख देंगे अब क्या हुआ जैसे ही हमने इस ऑक्सीजन को रिएक्टेंट साइड वाले ऑक्सीजन को फोर से मल्टीप्लाई किया तो ये जो दो एटम हाइड्रोजन के हैं ये भी फोर से मल्टीप्लाई हो जाएंगे ये हो जाएगा एट अब ये हो गया कंप्लीट अब क्या हो गया अब रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन के एटम्स हो गए एट और प्रोडक्ट साइड में है टू तो यहां पे क्या करेंगे इसको बैलेंस करने के लिए फोर से मल्टीप्लाई करेंगे अब ये भी हो जाएंगे एट और इस फोर को कहाँ पर रखेंगे आप यहाँ पर ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइट फोर फोर हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइट एट और प्रोडक्ट साइट एट ये इक्वल हो गया अब हमारे पास केवल बचा आयरन रिएक्टेंट साइड वन और प्रोडक्ट साइट थ्री तो यहाँ पे आप सीधे थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे और ये हो जाएंगे थ्री रिएक्टेंट साइड के आयरन को हमने कितने से मल्टीप्लाई किया थ्री से अब क्या है ये है एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और ये हो गई है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन तो यही करना था आपने इस मेथड को अप्लाई करके और एग्जांपल्स भी आप बैलेंस कर सकते हैं